आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, लोग इस वक्त मुश्किल में, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त भी आज 11 रमज़ान की इस वक्त सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त भी आटे के ट्रकों की आमद का सिलसिला जारी है बहुत बड़े पैमाने पर JDC में, और कोशिश यही की जा रही है कि रोज़ाना रोज़ाना बड़े पैमाने पर ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रहे। सलाम वालेकुम। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है रोज़ाना कि भाई देखें जो भी आप लोगों की तरफ से नदाद आ रही है उससे फ़ौरन ख़रीदारी की जा रही है नॉन स्टॉप। जितने भी ट्रक अभी पहुंच रहे हैं 10, 15, 20 वो सब यहीं उतरेंगे और फ़ौरन पैकों के मुख्तलिफ इलाकों में निकाला जा रहा है राशन। पीछे दाल के ट्रक भी आ रहे हैं, अभी तेल का ऑर्डर किया हुआ है वो अब तक नहीं पहुँचा है। आप तमाम लोगों को दिखाने का मकसद यही है वीडियो के, देखें रोज़ाना जिस तरह से हम पैकिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से डेली सामान भी उतर रहा है रोज़ाना की बुनियादों पर। और आप तमाम देखने वालों को गुजारिश करूंगा इन वीडियोस को भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आ सके JDC किस तरीके से इतना बड़ा ऑपरेशन रन कर रही है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान फैल चुका है। जिस तरह ये आटे के ट्रक आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से दाल के ट्रक आते हैं, इसी तरीके से घी, तेल, चीनी, चावल, नमक, चाय की पत्ती, ये तमाम चीज़ें आती हैं। और ये हम काम जो है 24 घंटे जारी है, 24 आवर जारी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त JDC में रोज़ाना की तरह इस वक्त भी आटे की ट्रकों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये जितना भी आटा आता है रोज़ाना ये सब पैक करके इलाकों में रवाना कर दिया जाता है। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क जो भी लोग हैं आगे बढ़िए, JDC को इस कॉज में सपोर्ट कीजिए ताकि और बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। हमारी सारी टीमें जो हैं वो 24 घंटे खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ हैं, हमारे बिला तफरीक रंगो नसल। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे रेस्क्यू रिलीफ वर्क में JDC का साथ दें। यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों बोरे राशन के तैयार करके और लोगों के घरों पर भेजा जा रहा है। बात हो गई है तो इसको आजीम भाई है, इसको भी एक मिनट रोकना खाली। तमाम चीज़ों को लाइनअप किया जा रहा है, तमाम ट्रकों को किसी के पास भी नहीं है मोबाइल। कौन गया? ठीक है बजी, आ जाए भैया, मैं आपको दिखाऊं, सीधी सीधी आएगी। देखें ये इस वक्त यहाँ पर भी राशन की ये पोजीशन है, और उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ उधर भी राशन की पैकिंग बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है रोज़ाना की तरह। देखें जो कल आटा आया था सारा वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये कि किस लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है आप सबके इल्म में होना चाहिए। कुछ लोगों ने भेजा आटा 150-200 बोरे वो है, बाकी ये सब नए बोरे हैं। देखें प्रिंटेड वाले सब जा चुके हैं, अभी आटे की जगह खाली, अभी आटे की गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं और ये ट्रक सारे यहाँ उतरते जाएंगे। और आप तमाम देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा JDC को आपकी मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, मॉरली भी सपोर्ट करें। आटे के ट्रकों की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा
कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। रोज़ाना यहाँ पर दर्जनों ट्रक आटा उतर रहा है, ये सब ख़रीदा जा रहा है जो आप हजरात सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं पैसों से सब बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। रुयते हिलाल कमेटी के रुयते हिलाल कमेटी के जनाब अल्लामा अली करार साहब आए हैं। अस्सलामु अलैकुम क़िबला खैरियत करते साहब, बहुत बड़े मदरसे के वो हैं। अच्छा क़िबला खैरियत हैं। मदरसा क्या नाम है? फारूक आज़म। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बड़ा मदरसा। अच्छा भिटशाह में, औरंगी में, अच्छा माशाल्लाह। दुआ में याद रखें क़िबला। बिल्कुल आए, बैठें आप लोग, बैठें आप लोग, बैठें। मैं आता हूँ, दो मिनट में आता हूँ। हमारे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की आमद का सिलसिला भी जारी है। आते रहिए, आते रहिए। बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ाना आटे के ट्रकों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, और ये सब कुछ आपकी मदद से, आपके तआवुन से, आपके एतमाद की बदौलत मुमकिन हो पा रहा है। वरना कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इतना बड़ा ऑपरेशन करा सकती। इसमें खुदा की मुकम्मल सपोर्ट है परवरदिगार आलम की, कि वो लोगों के दिलों में डाल रहा है और ये ऑपरेशन मुमकिन हो रहा है। खुदा की रजा के बगैर मुमकिन नहीं था इतना बड़ा ऑपरेशन। बेटा आगे चलाओ, इस गाड़ी को आगे चलाओ, बोलो उतारो, नीचे उतारो, भेजते रहो कैसर। नन्नू भाई रोज़ाना दर्जनों ट्रकों में आटा यहाँ आ रहा है, पैक हो रहा है, जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये, इतना बड़ा ऑपरेशन आपकी सपोर्ट की वजह से हो रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों के शिनाख्ती कार्ड आ रहे हैं, उनके घरों पे कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके जा सके। लेकिन चूँकि ऑपरेशन का लेवल बहुत बड़ा है, इसलिए लाजमी बात है इसमें टाइम लग रहा है। चलाओ बेटा, ज़्यादा आगे करवाएं इसको। जाने दे आगे करने में, हाँ लेकिन थोड़ा आगे कर लेना कि पीछे रोड क्लियर हो जाएगा। हाँ यहाँ लगवा लें, यहाँ लगवा लें, रिवर्स करवा के। हाँ रोड तो क्लियर करें ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाए 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 जाए। सजाद सजाद, हाँ आने दें, इसके बाद भी दरवाज़ा बंद कर दें ताकि बाहर ट्रैफिक जाम ना हो, बाकी बाद में अंदर ले लेंगे। अजीम भाई इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दो, बाकी बाद में लेंगे अंदर। ओके।
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि रोज़ाना यहाँ पर दर्जनों ट्रक जो आटा उतर रहा है वो उसी तरह पैक हो रहा है, वो उसी तरह निकल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, नॉन स्टॉप ही ऑपरेशन जारी है। और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उनको दिखा रहा हूँ, बाकी अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रही हो भाई वो पेज छोड़ दें। तो JDCO किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं ऑपरेशन, एक सेकंड नहीं रुका है, नॉन स्टॉप चल रहा है, हज़ारों लोगों को जा रहा है सामान। हाँ अख्तर भाई ये बताएं, बस 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 टकरा जाओ दीवार से। अभी ये अभी क्या, अभी कितना ट्रक आए? अभी हमारे पास तकरीबन 18 के करीब ट्रक आ चुके हैं, 10 हमने अंदर कर दिए, 8 बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा। 50 के करीब जो है ट्रक अभी रास्ते में जो आ रहे हैं, मतलब ये आटा है ना, खाली आटा है ना, इसका आटा नन्नू भाई, ये अख्तर भाई, अख्तर भाई यहाँ से ना, थोड़ी आगे आगे देखे, पीछे ट्रक आ रहा है, पीछे ट्रक आ रहा है, अख्तर भाई रिवर्स आ रहा है। वीडियो आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इन वीडियोस को लाजमी सपोर्ट करें, और हमारी कोशिश यही है कि जो भी लोग हमसे मदद मांग रहे हैं, हमारे पास हज़ारों लाखों एप्लीकेशन हैं, उन तक राशन पहुंचाएं, लेकिन आपकी मदद के बदौलत ही मुमकिन होगा। आप किसी कंपनी के, किसी बैंक के, किसी इदारे के अगर बढ़ें, आगे बढ़ें, JDCO का साथ दें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी टीमें 24 घंटे लगी हुई हैं, जितनी जगह थी उतनी गाड़ियाँ भी अंदर ले ली हैं, बाकी गाड़ियाँ बाद में अंदर आएंगी। और उलमाए कराम की आमद का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ मकातिब पेश करके उलमाए कराम यहाँ आते रहते हैं। क़िबला फाज़िल मदीना है, इनसे लेन से कहिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से क़िबला? क़िबला आप खैरियत से हैं? आपने क़िबला मदीना मुनव्वरा से फाज़िल हैं? अच्छा, सारा कोर्स किया है वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह लाइसेंस किया है वहाँ से, और दारुल कराची में 17 साल पढ़ाया है। माशाल्लाह आबादी में मदरसा है, 400 बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पढ़ते हैं, इंतहाई गरीब। मैंने कोई मसले नहीं, क़िबला राशन भेजना है वहाँ पे, राशन भी इफ्तारी का भी हो जाए करवा देता हूँ, आप गाड़ी लाएँ अभी तो गाड़ी का हम एक मंगवा दें, ट्रक मंगवा दें, लोड कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो अंदर ऑफिस में था, क़िबला काम का बहुत लोड है, आपकी खिदमत जो है वो लगी हुई, मैंने आपसे कहा लाखों आदमी का किस किस का करेगा एक वक्त, नहीं सबका कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई खाली ना है। बात सुन लीजिए, मैं आपके पास जो आता हूँ इन हजरात की, नहीं नहीं बिल्कुल क़िबला, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं क़िबला, कोई मसला ही नहीं है, आप क़िबला बैठे हैं, मैं भी आप गाड़ी मंगवाएं, मैं लोड करवा देता हूँ। कुमैल कुमैल बेटा गाड़ी मंगवा के लोड करवाओ क़िबला के लिए, एक गाड़ी मंगा रहे हैं। बिलाल कॉलोनी कोरंगी, आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें, ये पूरा ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं मुसलसल। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, लोग इस वक्त मुश्किल में, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।